नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब और यूएई से। दोस्तों सऊदी अरब और यूएई अपने जो मुस्लिम धर्म है उसमें परिवर्तन करने पर बिल्कुल आमादा हैं और उन्होंने अपने देश में इस तरीके के रूल और रेगुलेशन भी लागू किए हैं जिसके चलते जो बाहरी दुनिया के लोग हैं उनके अंदर निवेश कर सकेंगे और इसी के साथ उनकी जो इकोनॉमी है उसमें चलाने के लिए वो सहयोग कर सकेंगे। दोस्तों सऊदी अरब और यूएई के ऊपर आज बड़ी खबर आई है कि सऊदी अरब ने अपने स्कूल की बुक्स में से अब इजराइल विरोधी और यहूदी विरोधी जो भी हेट स्पीच हेट आर्टिकल हैं उनको हटाने का ऐलान किया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है, आप इसे एक छोटा कदम मानने की गलती ना कीजिएगा, क्योंकि सऊदी अरब के स्कूल में और इसी के साथ पाकिस्तान के मदरसों में जो एक यहूदियों के खिलाफ अत्याचार भरी बातें लिखी हुई हैं उन बातों को हटाने का काम सऊदी अरब ने किया है जबकि पाकिस्तान ने ये काम नहीं किया है। हालांकि इस्लाम 1400 साल पुराना हो गया है, इन 1400 सालों में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन सऊदी अरब के साथ साथ मुस्लिम कंट्रीज आज उस हिसाब से बदल नहीं पाई हैं और पुराने इस्लाम को वो ढो रही हैं, जिन कारणों से आज मुस्लिम कंट्रीज में बहुत सा गुस्सा देखा गया है एक नॉर्मल जो एक यहूदी हैं चर्चिज हैं। हालांकि इसी के चलते सऊदी अरब की स्कूल की बुकेज में चेंज किया गया है ताकि यहूदियों के ऊपर जो जहर उगलने वाली बातें हैं उनको बंद किया जाए और उनके बच्चे जो एक छोटी सी बात के पीछे एक व्यक्ति का गला काट देते हैं उनके ऊपर उनके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा की जाए। दरअसल दोस्तों 1400 साल पहले जंगे लड़ा करते थे जिन कारण से यहूदियों के ऊपर एक हेट वाली बातें बोली जाती थी ताकि जो एक लोग हैं उनको जंगे लड़ने के लिए तैयार किया जाए और मुसलमान कौम को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन वो भी एक दोगला पंती ही थी और इसी के चलते मुसलमानों ने पूरी दुनिया में एक अत्याचार किए। लेकिन अब मुसलमान अपने मुस्लिम धर्म की वो बातों को हटाना चाहते हैं जिसके चलते वो एक आतंकवादी कहलाए जाते हैं। हालांकि सऊदी अरब और यूएई ने बहुत अच्छा काम किया है, यूएई ने अपने देशों में जिस तरीके से अब विदेशी लोगों को आकर्षित करने के लिए वहां पर पब खोले जा रहे हैं, शराबों की दुकानें भी खोली जाएंगी, इसी के साथ टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए अब वो पाबंदियां यूएई में नहीं है जिस तरीके की पाबंदियां पहले थी। सऊदी अरब में भी होटल में अब कोई भी एक लड़का लड़की रहते हैं तो उनके लड़का लड़की रहने के लिए वहां पर उन्हें कोई एक शादी का एक कार्ड नहीं दिखाना होगा जिसके चलते उनके ऊपर कोई भी तरीके की कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि पहले ऐसा था कि अगर कोई लड़का लड़की अगर होटल में रुकते हैं तो उन्हें पहले बताना होगा कि हाँ उनकी शादी भी हुई है या नहीं हुई, और इसी के चलते ये रूल में चेंज करना आज की वक्त की ज़रूरत भी है क्योंकि आज वक्त बदल गया है आज। लेकिन ये जो बदलाव सऊदी अरब कर रहे हैं इसी बदलाव के चलते पाकिस्तान का मीडिया बहुत जला हुआ है। खैर पाकिस्तान का अपना एक रुख है, लेकिन पाकिस्तान को भी आने वाले 10-20 सालों में सऊदी अरब की तरह ही बनना होगा, नहीं तो पाकिस्तान को पूरी की पूरे नक्शे से हटाने का काम पाकिस्तान के लोग ही कर देंगे, क्योंकि आज जितना जहर पाकिस्तान के लोगों में पाकिस्तान की सरकार के लिए भरा हुआ है और जितनी अशांति पाकिस्तान के लोगों की पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ है शायद ही कभी हुई होगी। लेकिन बात सऊदी अरब की हो रही है तो सऊदी अरब इसराइल के साथ भी रिश्ते अच्छे कर रहा है और इसी की कड़ी में अब यहूदी विरोधी बातों को वो हटा रहा है। सबसे बड़ी बात आज ये भी है कि सऊदी अरब अपने देश में $100 बिलियन का एक शहर खड़ा करना जा रहा है जिसका नाम है नियोम, और दोस्तों इस शहर में विदेशी टूरिस्ट आया करेंगे और इसी के साथ विदेशी निवेश इस शहर में आकर्षित करने के लिए हर वो सहूलतें यहाँ पर सऊदी अरब देने को तैयार है जो सहूलतें मुस्लिम एक धर्म में बैन है। लेकिन दोस्तों सऊदी अरब ये सब कुछ कर रहा है ताकि अपने देश को आगे बढ़ा सके और कल को जब उसका तेल बिकना बंद होगा तब इन्हीं शहरों से उसकी कमाई जनरेट हो सके। हालांकि आज इस तरीके से अगर इस्लाम धर्म को देखा जाए और अपने देश की स्थिति को देखा जाए तो दोनों बातें एक तरफ से नहीं चल सकती, और इसी तरीके से अब धर्म में भी परिवर्तन करने का समय आ गया है। यही कारण है कि सऊदी अरब इमामों पर कार्रवाई कर रहा है और इसी के साथ बाहरी इमामों को अब वो सऊदी अरब में इमाम का पद नहीं दे रहा है। यही कारण है कि सऊदी अरब अब धर्म को भी कंट्रोल करने के चलते इमामों को भी अपने एक हक में करके अपने ही सऊदी अरब के लोगों को इमाम रखना चाहता है ताकि अपने अनुसार इस्लाम धर्म के ऊपर वो अपनी बातें लोगों तक रख सके। खैर दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में राय का इजहार कीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।